खुश आमदीद नाजरीन, एफआई न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। फ्रॉड कॉल सेंटर्स के हवाले ज्वाइंट सीपी गजर और भोपाल आईपीएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रोजगार का झांसा दिलाकर रकम लूटने वाली दो बैन रियासती गैंग के चार मुलजिमान को हैदराबाद साइबर क्राइम डिटेक्टिव डिपार्टमेंट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों गैंग के मुलजिमिन के कब्जे से 16 सेलफोन्स, 5 कंप्यूटर हार्ड डिस्क, सिम कार्ड्स रजिस्टर्ड 9 अदद, डेबिट कार्ड्स, 4 लैपटॉप्स और दीगर अशिया बरामद करके जब्त कर लिया गया। इस सिलसिले में मुतालिका आला अहदेदार ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई और कहा कि ये छापे दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कॉल सेंटर्स में मारे गए हैं। इन्होंने बताया है कि हैदराबाद के नलाकुंटा और गांधीनगर के इलाके के अफराद ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन से रुजू होकर रोजगार का झांसा देकर ऑनलाइन लाखों रुपये लेने की शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर हैदराबाद CCS ने फौरी कार्रवाई करते हुए दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कॉल सेंटर्स पर छापा मारा और इन्हें हिरासत में ले लिया। गजर और भोपाल IPS ने ऐसे शातिर धोखेबाजों से होशियार रहने की तमाम आवाम से गुजारिश की है। आइए जानते हैं इस खसूस में मज़ीद तफसीलात। इसी तरह की मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे चैनल को YouTube पर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैदराबाद सिटी साइबर क्राइम पुलिस ने दो केसेस में, जॉब फ्रॉड के केसेस में, चार लोगों को गिरफ्तार किए। ये लोग जो जॉब एस्पिरेंट्स हैं वो वेबसाइट्स होते हैं जिसमें जॉब वेबसाइट्स होते हैं, जैसे shine.com या naukri.com जैसे वेबसाइट्स में अपलोड करके उनको पूरा प्रोफाइल और बायोडाटा लेके उनको जॉब दिलाते बोल के उनको मेल्स भेजते, और एक केस में तो अपॉइंटमेंट लेटर भी दे दी उनको, और उसके ज़रिए उनसे पूछे कि ये जॉब के लिए आपको डिपॉजिट करना और मेडिकल टेस्ट करवाना, ये पूरे बोल के उनसे बहुत पैसे मांगते थे। और ये दोनों केसेस में दिल्ली में जाके रेड किए, और एक केस में गाजियाबाद, इंदिरापुरम गाजियाबाद, और एक केस में राजौरी गार्डन दिल्ली, ये जगह पे ये पूरे ऑफिसेस खोल दिए ये फ्रॉड करने का, और वहाँ पे कॉल सेंटर भी वहाँ से चालू कर दी। और सब आवाम से गुजारिश है कि ऐसी चाल में ना फंसे और होशियार रहे। कोई भी स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में जॉब देने वाला आपसे इतना पैसा, लाखों में पैसा कोई नहीं पूछता, थोड़ा होशियार रहने की।